नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफियत लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार अंतर्गत खासकर नाला सुपारा में कई एक से एक बड़े से बड़े ठग मौजूद है और वह ठग आम भोली भाली जनता को सस्ते में फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगी का कारोबार चलाते हैं। ऐसे ही एक महाठग को हाल ही में नालासोपारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो विजुअल और तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी महाठग सचिन गाला की है, जिसने लोगों को सस्ते में फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की है, पैसा उनका हड़प लिया है। ये पिछले कई महीनों से फरार था, जिसकी तलाश नालासोपारा पुलिस को थी और कहीं ना कहीं मीरा महेंद्र वसई विरार आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे के निर्देश पर मीरा महेंद्र पुलिस आयुक्तालय की पुलिस ने लंबे समय के बाद इस आरोपी को धर दबोचा और अब फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। क्या कुछ कहना है इस मामले पर नालासोपारा पुलिस स्टेशन के अधिकारी का, वो सुनेंगे आप वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको खाली एक पुरानी घटना की याद दिला दूं। ये सचिन गाला वही है जिसको लेकर करीब एक साल डेढ़ साल पहले एक मामला हुआ था, कि एक मामला काफी वायरल हुआ था। वह मामला था इस सचिन गाला का, नालासोपारा तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर बर्थडे मनाया जाना, केक काटे जाने का, तब काफी बवाल हुआ था। खैर, आज सचिन गाला पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही है। सुनिए आगे क्या कहना है पुलिस अधिकारी का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, क्या बताएंगे सचिन गाला पर, किस तरीके का मामला दर्ज है, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, क्या जानकारी? नालासोपारा पुलिस स्टेशन में सचिन गाला के खिलाफ आईपीसी 420 के तहत मामला दर्ज था। वो बहुत दिनों से इस केस में वांटेड चल रहे थे। इसमें हकीकत ऐसा है कि ये आशापुरा रियलिटी नाम का एक फर्म चलाते थे, उसमें वो एजेंट का काम करते थे, लोगों को फ्लैट देने, खरीद के और बेचने देने का काम करते थे। हमारे कंप्लेनेंट को उन्होंने फ्लैट देखा है, उसके बदले में 5,65,000 उन्होंने अपने अकाउंट में लिया। उसके बाद उन्होंने ना फ्लैट खरीद के दिया ना वो पैसे रिटर्न किए, इस वजह से वो FIR रजिस्टर्ड हुआ। इसमें FIR के रजिस्टर्ड तब्दीश में ऐसे पता चला कि कंप्लेनेंट के इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। फिर बाद में तब्दीश में हमने उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, कल ये हमको एक गुप्त सूचना से हमने सचिन गाला को कल अरेस्ट किया है। आज उसको कोर्ट के सामने पेश किया तो उसको सोमवार तक का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। हम लोगों से ये आह्वान करते हैं कि सचिन गाला जो आशापुरा रियलिटी की, इन्होंने अगर आपको पैसे देने फ्लैट देने के बहाने से पैसा लिया है और पैसा भी दिया नहीं है और फ्लैट भी दिया नहीं, ऐसे लोगों को आह्वान करते हैं कि पुलिस स्टेशन में आके उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करें। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786